भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वामी न्यूज के लाइव कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अगले दिन यानी कि 22 जून को आप सभी इस कार्यक्रम में लाइव पुनः स्वागत। आज के इस योग सत्र को हम प्रारंभ कर रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम से, सांस बाहर और अपने हाथों को आप अधिकतम पीछे घुमा सकें और श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर अधिकतम आ सके। अगला अभ्यास श्वास बाहर, हाथों को इस प्रकार से पीछे ले जाए, ये वाला हाथ इससे स्पर्श कर जाए, श्वास भरते श्वास बाहर श्वास भरते हुए वापस। तीसरा अभ्यास इसी में श्वास बाहर, प्रभु आशीष दो हम तुम्हारे अंश बन जाए, बने राही पंथ के तुम्हारे संत बन जाए, ऋषि के वंश बन जाए, प्रभु आशीष दो हम न हो हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्हीं से हो, सभी सद्भाव संवाहक प्रभु के अंश बनाए, प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे अंश बन जाए। परमात्मा सबके ऊपर समान कृपा करता है, ईश्वर सदा ही हमें अच्छे बुरे कर्म देता है, उसके दृष्टि से उस ज्ञान से किसी भी व्यक्ति के कर्म में छिपे हुए नहीं है। तो इसलिए प्रत्येक कार्य को सावधानपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की व्यवस्था में क्षमा का विधान नहीं है, माफी का विधान नहीं है, पाप को क्षमा कर दिया ऐसी व्यवस्था नहीं है परमात्मा के पास। इसीलिए हमें हमारे सभी कर्मों का फल मिलता है, हम अच्छे करें अथवा बुरे करें। कुछ लोग तो सुबह शुरू हो जाते बुरे कर्मों को करना, बुरे कार्यों को, बुरे विचारों को उठाना। सुबह सुबह हमारा सबसे पहला पहला जो कार्य होना चाहिए ना, वो होना चाहिए परमात्मा का चिंतन, धर्मार्थ जानो चिंतये, ईश्वर का ध्यान करना। ऋषियों ने एक व्यवस्था दी, क्या दी, कई सारे लोग तो क्या करते सुबह सुबह उठ करके संसार की घटनाओं की ऐसी पोथी मांग लेते अपने मस्तिष्क से, फिर वहीं से विचारों की श्रृंखला शुरू हो जाती, उनका जीवन नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, वो ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर देते हैं कि अरे सुबह सुबह आपको समय मिला है अपने जीवन को उन्नत बनाने का, आप क्या कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक जो लाइव हैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं, हम इस कार्यक्रम में पूरा लपेट देंगे ऐसे। ऋषियों ने एक व्यवस्था दी, आयुर्वेद में स्वस्थ वित्त नाम का एक प्रकरण दिया, वैश्य चरक ने आयुर्वेद में चरक संहिता में स्वस्थ वृत्त नाम का एक प्रकरण, और उसके बाद एक प्रकरण जिसका नाम है सद्वित्त। सद्वित्त नाम का एक प्रकरण है,
सद्विपालिप्रण में क्या बताया, कैसा आचरण, कैसे लोगों से मित्रता करें, कैसी बात करें और बहुत सारी बातें बताई। स्वस्थ में बताई सुबह उठकर के क्या कार्य किया जाए, रात्रि सोने तक आप ऐसा कार्य करें। आयुष व्यक्ति की परिभाषा बताते हुए कहते हैं चलेंगे हम ताड़ासन और ध्रुवासन करने। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों को पास में रखें, श्वास पूरा भरें, और हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक करके ऊपर की ओर खींचें, धीरे से पैरों को भी ऊपर उठा लें। शरीर लगातार रूप खींचते हुए वहीं पर रुक कर रखें। स्वस्थ वित्त है जागरण, जागरण से लेकर रात्रि के शयन तक कितने सारे कार्य होते हैं, तो जागरण हमारा उत्तम समय में हो जाए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, ज्ञान हमको दीजिए, हम सदाचारी बने। हे प्रभु आनंद दाता, ताड़ासन कर लेते, श्वास पूरा भरें और फिर पूरा श्वास बाहर और ऐसे झुक जाए। फिर श्वास बाहर, परमात्मा ने सबके सुख की संसार में बना रखे। व्यक्ति अपने ज्ञान अज्ञान, विद्या अविद्या, उसके विचारों का इनके आधार ही सुखी दुखी होता है, अन्यथा परमात्मा की व्यवस्था में तो सब कुछ ही पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है, अपने अपने पूर्णता से पूर्ण हर व्यवहार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। सूर्य नमस्कार, ओम त्राय नमः। पूरे नमस्कार का अभ्यास कर सूर्य नमस्कार का अभ्यास हम आज के सत्र में कर रहे हैं। सभी ध्यान पूर्वक इस नमस्कार का अभ्यास हमारे साथ में 12 की स्थितियों में, 12 स्थितियों में 7 आसनों को फिर 5 बार उसका दोहराओ। ओम रवये नमः। सूर्य नमस्कार सदा सूर्योदय के समय किया जाए तो उसका विशेष लाभ होता है। सूर्योदय समय पूर्व दिशा में मुख करके और प्राणायाम पूर्वक आसनों का यथाविधि पालन करते हैं। पहला ओम मित्राय नमः, दूसरा ओम रवये नमः। ये दो अभ्यास हमारे 12-12 के पूरे हुए। तीसरा तो ये 12वां 11वां। तीसरा ओम सूर्याय नमः। रोज स्वस्थ मन
स्वस्थ शरीर और प्रसन्न मन कैसे हो। व्यायाम से नकारात्मक विचार भाग जाते हैं, सारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। चौथा, ओम भानवे नमः। पांचवा अभ्यास, ओम खगाय नमः। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि तक कैसे एक स्वस्थ दिनचर्या का हम पालन करके स्वस्थ जीवन, स्वस्थ शरीर और प्रसन्न मन को प्राप्त कर सकते हैं। ये पांचवा अभ्यास हम सूर्य नमस्कार का कर रहे हैं। प्राणायाम पूर्वक किया करें, कहाँ श्वास भरना होता है, कहाँ श्वास बाहर खाली करना होता है। छठा अभ्यास, ओम पूष्णे नमः। सातवां, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। आठवां, ओम मरीचये नमः। श्वास कहाँ भरनी है, कहाँ छोड़नी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है सूर्य नमस्कार। आठवां अभ्यास किया, 9, 10, 11 बार, कम से कम 12 बार नमस्कार हम प्रत्येक दिन किया करें, जिससे कि पूरी तरह से व्यायाम अच्छा हो जाए, संपूर्ण व्यायाम है सूर्य नमस्कार। प्राणायाम का भी इसमें अभ्यास किया जाता है, कहाँ श्वास भर के कहाँ रोकनी है। पहले में सामान्य श्वास, दूसरे में भरने के बाद जाए, तीसरे में श्वास बाहर छोड़ने के बाद जाए, चौथे में श्वास भर के संचालन, पांचवे में श्वास बाहर छोड़ने के बाद पांचवी स्थिति बनाना है, छठे में श्वास बाहर जाएगी, सातवें श्वास भरने के बाद में आसन की स्थिति, आठवें श्वास बाहर प्रत्यासन, और नौवें में श्वास भरते दूसरे पैसे संचालन, और दसवें में श्वास बाहर प्रत्यासन, श्वास भर के 11 और श्वास बाहर श्वास सामान्य कर लेंगे 12 में। अब हम नौवां अभ्यास करें, 8 अभ्यास हमने सूर्य नमस्कार के किए, 9 प्रैक्टिस, श्वास सामान्य, श्वास पूरा भर के, इससे पहले मंत्र बोल लेते नमः, ओम आदित्याय नमः। दसवां, ओम सवित्रे नमः।
ग्यारहवां ओम अर्काय नमः। श्वास भर के ये सात में रुके, श्वास बाहर आठ, श्वास भरे, श्वास बाहर। बारवां, ये बारवां अभ्यास हम करेंगे, ओम भास्कराय नमः। ऐसे रिदमिक प्रैक्टिस धीरे धीरे, एक तो अभ्यास ऐसे भी कर लिया कर, ये रिदमिक प्रैक्टिस है। एनिमेशन, एनिमेशन स्टाइल, ये हमारा सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमने किया। सूर्य नमस्कार के अभ्यास को प्रत्येक दिन हमें करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। सूर्य नमस्कार के अभ्यास को करने से शरीर में बहुत सारी ऊर्जा आ जाती है, और थकान तो होती है थोड़ी सी, लेकिन ऊर्जा अधिक आती है। जब व्यक्ति अधिक ऊर्जा को इकट्ठा कर लेता है, अधिक से अधिक ऊर्जा जिसके पास होती है वो अधिक से अधिक ही लाभ उठाता है योग की क्रियाओं से, फिर अपने जीवन में उसके अधिक कार्य को, बहुत सारे कामों को और बहुत सारे शक्ति के साथ परफेक्ट कर सकता है। ये सूर्य नमस्कार के लाभ हैं। सूर्य नमस्कार से मांसपेशियां हमारी टोंड हो जाती हैं। सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से हमारी मांसपेशियां पूरी तरह से कस जाती हैं, टोंड हो जाती हैं। हमारे दर्शकों में ऋतु जी, राकेश जी, हमारे इस लाइव कार्यक्रम में जुड़े हुए अन्य अन्य भी बहुत सारे दर्शक हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं, आप सभी को नमस्ते, साधुवाद। निश्चित रूप से आप सबके लिए योग, यह योग का ये कार्यक्रम लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि आप रोज योग अभ्यास करते हैं। कल सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, पसीना आ जाए तो इस प्रकार से पहुंचना चाहिए, पसीना आएगा, और पसीने को नहीं पहुंचेंगे तो आपके शरीर में से विजातीय द्रव्यों का निष्कासन होने के बाद भी आप इससे बच नहीं सकते, इसीलिए आपको पसीना ज़रूर पहुंचना चाहिए। तो हमारे सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, बैठ करके भस्त्रिका प्राणायाम, गहरे लंबे श्वास। थोड़ी देर आप विश्राम करना चाहें तो विश्राम करें, क्योंकि सूर्य नमस्कार के बाद कुछ लोग थक जाते हैं अधिक, तो थक जाते हैं तो आप शवासन अथवा मकरासन किसी में भी आप विश्राम करें, इसको शवासन कहते हैं। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, हथेलियाँ कमर से थोड़ी दूरी पर आकाश को देखती हुई, पूरा शरीर ढीला शिथिल, लंबे लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए, आंखें बंद कर लेंगे, मन को शांत, शरीर भी शिथिल 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 शिथिल। ऐसे ही आप पेट के बल भी आराम कर सकते हैं, बालासन, मकरासन, किसी भी एक स्थिति में आप शरीर को ढीला छोड़ के आराम किया करें। आज हम बात कर रहे हैं ऋषियों के द्वारा दी हुई, आयुर्वेद में एक बड़ी ही सुंदर पद्धति है जिसको कहा गया है स्वस्थ वृत्त, भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए।
योग से हमारा ऑक्सीजन मेंटेन रहता है, योग से हमारे अंदर पॉजिटिविटी रहती है। योग का मतलब यहाँ पर कुछ आसनों और कुछ प्राणायामों मात्र से नहीं है, यहाँ पर ध्यान से भी है योग का मतलब। हम अष्टांग योग के समर्थक हैं। हठ योग की क्रियाएं तो हम केवल इसीलिए करते और सिखाते हैं जिससे कि शरीर थोड़ा स्वस्थ हो जाए, विजातीय द्रव्यों से मुक्त हो जाए, शरीर में स्थिरता बन जाए, ताकि हम परमात्मा का ध्यान करने के लिए कुछ समय तक लंबे समय तक बिना किसी बाधा के बैठ सकें। इसीलिए हम योग का अभ्यास प्रत्येक दिन सब लोगों को करना चाहिए। हठ योग की कुछ क्रियाओं को, प्राणायामों को और कुछ मुद्राओं को इस तरह से रोज एक दिनचर्या बना करके आप करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ होगा। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। ये स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा दी ऋषियों ने, कह रहे समदोष, आपके त्रिदोष सम होने चाहिए, वात पित्त कफ का संतुलन बना होना चाहिए। ये संतुलन जिस समय बिगड़ा उस समय हम रोगी हो जाएंगे। भस्त्रिका करते रहेंगे गहरे लंबे श्वास के साथ, प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ, प्रार्थना, प्रभु आशीष दो हमको, प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे अंश बन जाए। भस्त्रिका करते रहें गहरे लंबे श्वास के साथ। आज दो ही चीज़ हम पर केंद्रित हैं, शरीर स्वस्थ कैसे हो और मन प्रसन्न कैसे हो। तो हमारे दिनचर्या के कार्यों को हम करें, अच्छा ढंग से करें, और उसके अलावा हम प्रत्येक दिन योगाभ्यास को अच्छे ढंग से कर लें। आपसे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था, सूर्य नमस्कार के 12 बार का अभ्यास कर लीजिए और फिर प्राणायामों को 3-4 प्राणायाम कर लीजिए। इतना यदि आप कर लेंगे तो आप शरीर स्वस्थ, स्वस्थ शरीर और प्रसन्न मन को प्राप्त करने वाले हो जाएंगे। पुरुषार्थी होना चाहिए व्यक्ति को, निष्ठावान होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए जिसको हम कहते हैं। जो व्यक्ति ईमानदार होता है, जो व्यक्ति लापरवाह नहीं होता, वह व्यक्ति सदा तनाव मुक्त रहता है, तनाव में नहीं रहता, झूठ नहीं बोलता, असत्य नहीं बोलता। असत्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब अपने भीतर नहीं रखता। क्रोध, मोह, मत्सर आदि, ये सब हमें तनाव में लाने के काम है। तो तनाव से बचना है तो अच्छे आचरण का, सदाचरण का, सद्वृत्त का पालन करें। ये महर्षि ऋषि ने हमें आयुर्वेद के ग्रंथों में ऋषियों ने दिया, सद्वृत्त किसको कहते हैं। तो सद्वृत्त का जो पालन करता है वो प्रसन्न मन प्राप्त कर लेता है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम, भावना तश्चित्त प्रसादनम। चित्त की प्रसन्नता का एक साधन बता रहे महर्षि पतंजलि जी योग दर्शन में प्रथम पाद। भस्त्री का थोड़ा सा और करें, 2 मिनट और करें। मैत्री यानी मित्रत्व का भाव हमारे होना चाहिए। किन कैसे लोगों के प्रति, जो सुखी हैं संसार में, सुख सुखी लोग लगते हैं वे सारे वास्तव में लगते हैं वही हैं जो वास्तव में सुखी हैं। एक तो सुखी दिखने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम सुखी समझते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हम वास्तव में सुखी लोगों से मित्रता करें जो वास्तव में सुखी हैं, जिनकी दिनचर्या बड़ी अच्छी है, जो अपने कार्यों को लापरवाही से नहीं, जिम्मेदारी से पूरा करते हैं, समय के पाबंद है और भी बहुत सारे गुण हैं, तो वो व्यक्ति सुखी हो जाता है। ये सब करके जल्दी उठता है, ये बहुत सारे काम होते हैं, ये जिम्मेदारण करके सुखी हो सकते हैं। मैं कामचाओं में रहता हूँ, मैत्री करुणा अर्थात ऐसे लोगों से हमें मैत्री का भाव रखना चाहिए, मित्रता का भाव रखना चाहिए सुखी लोगों से। कपाल भाती में आ जाए, वस्त्र का हमने रखा।
कल कपाल भाती की सावधानियां आप सब कुछ बताए थे। कल विश्व योग दिवस था, कल 21 जून 2021 का दिन था, आज 22 जून 2021 है। विश्व योग दिवस के दिन हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया, पर्व पूर्वक, उत्साह पूर्वक और उत्सव पूर्वक, महोत्सव पूर्वक मनाया। आप सबके साथ में इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से 8:15 से 9:15 तक मनाया और आप सब ने हमारे साथ योगाभ्यास किया था। और उसके अलावा अब हम प्रतिदिन क्या करें, तो आप उस योग प्रोटोकॉल को लेकर के प्रतिदिन आप उसका अभ्यास कर सकते हैं, नहीं तो हमारे साथ इस लाइव कार्यक्रम में प्रत्येक दिन 6:30 से 7:30 तक स्वामी न्यूज अजमेर के फेसबुक पेज पर आप लाइव कार्यक्रम में योग कर सकते हैं। कपाल भाती, श्वास पूरा बाहर फेंक रहे नासिका के दोनों छिद्रों से, वेग पूर्वक फेंक रहे ऐसे, एक सेकंड में एक बार, पेट अपने आप अंदर जाएगा, आपको पेट को अंदर करने की आवश्यकता नहीं है। करते जाए। और दुखी लोग जो है उनके प्रति करुणा का भाव रखें, मैत्री करुणा, करुणा का भाव रखें, सुख दुख दुखी लोगों के प्रति करुणा का भाव रखें, उनसे नफरत नहीं करें, उनसे द्वेष नहीं करें, उनसे ईर्ष्या नहीं करें, उनके उनसे असहयोग की भावना नहीं होनी चाहिए, उनके सहयोग की, करुणा की ऐसी भावना होनी चाहिए। दुखी तो दुखी व्यक्ति की जदा सदा हमें उसके प्रति करुणा होनी चाहिए। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम, मुक्त प्रसन्न रहें सदा ऐसे लोगों के साथ, पुण्यात्माओं के साथ जो परोपकार करते हैं बिना किसी स्वार्थ के परोपकार करते हैं, ऐसे आप लोग श्वास बाहर फेंकते जाए, कपाल भाती करते जाए, शक्ति का अतिक्रमण अभी ना करना चाहिए, बहुत थक जाए तो थोड़ा सा रुक जाए और फिर पुनः इसको शुरू कर सकते, फिर इसके बाद श्वास पूरा बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचकर अपने पेट के अंगों की मसाज भी किया करें ऐसे। तो आत्माओं के साथ में उनको देखना चाहिए तो उसको देख करके प्रसन्नता होनी चाहिए। कपाल भाती, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम, सुख दुख उपेक्षा करें, पुण्य पुण्य अपुण्य अर्थात पापी लोगों की उपेक्षा करनी चाहिए, पापियों का समर्थन नहीं करना चाहिए, गलत बात करने वालों का समर्थन नहीं करना चाहिए। पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम, ऐसी भावना रखने वाले व्यक्ति का चित्त प्रसन्न हो जाता है। कल हम आपको ऋषियों के द्वारा आयुर्वेद में वर्णित स्वस्थ वृत्त क्या होता है, प्रातः जागरण से लेकर, उषः पान से लेकर, दंत धावन से लेकर, शौच स्नान, कवल ग्रह, अभ्यंग नासाभ्यंग, कर्णपूरण, शिरोभ्यंग, पादाभ्यंग, और फिर उसके अलावा फिर व्यायाम कैसे लोगों को करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, और प्राणायाम योगासन, ये सब का एक व्यवस्था। उसके बाद स्नान, इसके पहले उबटन, पूरे शरीर पर कौन कौन सी चीज़ों का आप इस ऋतु में उबटन करें, लेप लगाएं, फिर उसके बाद मुख लेप, मुख पर भी कुछ चीज़ों का लेप लगाना चाहिए प्रतिदिन अगर आपको सुंदर मुखमंडल चाहिए तो। और कई सारे लोगों के चेहरे पर अलग अलग दाग हो जाते हैं, कई सारे लोगों को रंग उनका काला ना पड़ जाए, रंग उनका सांवला ना हो जाए, ऐसा उनको डर बना रहता है, तो कौन से पदार्थ हैं ऐसे घर में ही उनका हम लेप किया करें। फिर उसके बाद स्नान, और उसके बाद स्नान के बाद वस्त्र धारण और सुरमा आदि इत्र सुगंधित द्रव्य, कपाल भाती करते जाओ, आभूषण आदि का धारण, और ये सब के बाद भोजन की बात कर रहे हैं, तो भोजन कैसा हो, भोजन के बाद क्या किया जाए, भोजन के पहले क्या किया जाए, शौच के पहले क्या किया जाए, शौच के बाद क्या किया जाए, ये सब चीज़ें एक
निश्चित रूप से व्यवस्थित रूप से आयुर्वेद में वर्णित हैं। इन सब पर हम कल विचार भी करेंगे। कल से हम स्वस्थ व्रत की बात करेंगे। रोज़ हम 5-5, 10-10 सूत्रों को देख लेंगे, जिससे कि योग के योगमय जीवन हो जाए हमारा। केवल इस सुबह का एक घंटा नहीं, हम सारा दिन इस कार्यों को, एक एक कार्य को करते हुए उसकी सही समझ के साथ, सही विधि के साथ करेंगे तो हमारा शरीर मन सब कुछ स्वस्थ हो जाएगा, बलवान हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। कपाल भाति करते जाओ। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियः, त्रिदोष हमारे सम हो। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। अग्नि सम अग्नि, शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं। पंचभूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि, अग्नि, वायु, आकाश, भूमि और अग्नि, वायु, अग्नि, ये अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, ये वायु का प्रतिनिधित्व करता है, ये आकाश का करता है, ये पृथ्वी का करता है, ये जल का करता है। तो पंचभूतों से बना हुआ हमारा शरीर है। कपाल भाती करते जाओ। तो पंचभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है। इन पांचों की अग्नियां हमारे भीतर, इन पांचों का संतुलन हमारे भीतर होता है, इनको कहते हैं पंचभूताग्नि। और फिर सप्त धात्वाग्नि, हमारे शरीर का निर्माण होता है सप्त धातुओं से, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। सतत ये क्रिया अंदर ही अंदर चलती रहती है परमात्मा की व्यवस्था से। इसी से हमारा सबका शरीर आयु के साथ बढ़ता चला गया। हर किसी में अस्थियाँ बढ़ी, फिर उसके बाद उसमें मांस बढ़ा, इससे पहले उसमें मेद बढ़ा, अस्थियाँ बनी, अस्थियों में अंदर बोन मैरो जिसको हम मज्जा कहते हैं, ठोस सा पदार्थ होता है, वो बढ़ा। ऐसे ही रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातुओं का निर्माण हुआ और उसी से हमारे शरीर दिन प्रतिदिन उन्नति को, विकास को प्राप्त होता है। तो ये सप्त धातुआग्नि, इनके भी संतुलन अंदर चलते हैं, ये सप्त धातुओं की अग्नि है। और एक जठराग्नि है जो हमारे पेट में जलती है। जठर कहते हैं संस्कृत भाषा में पेट को। इसके अंदर एक अग्नि होती है, जो भूख लगती है ना, हम कहते हैं अग्नि जल रही है, बहुत तेज़ भूख लग रही है, वो जठर की अग्नि होती है, पेट की अग्नि होती है। तो ये 13 प्रकार की, 5, 7 और एक पंचभूताग्नि, सप्त धातुवाग्नि और 13वीं जिसको हम जठराग्नि कहते हैं, इस सप्त, ये 13 प्रकार की अग्नियाँ हमारी सम होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत कम नहीं होनी चाहिए, मंद नहीं होनी चाहिए। तो कपाल भाती से जठराग्नि अच्छी हो जाती है, सप्त धातुवाग्नि अच्छी हो जाती, पंचभूताग्नि संतुलित होती है। समधातु मलक्रिय है, सप्त धातुओं का पूरा संतुलन बना होना चाहिए। और मलक्रिय, एक्सक्रेटा सिस्टम अच्छा होना चाहिए। और भी शरीर से अलग अलग जगहों से मल निकलते हैं, पसीने के रूप में स्वेद पसीना निकलता है, पसीने में बहुत सारे कीटाणु हमारे निकलते हैं। तो इसीलिए योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार का इसीलिए बताया कि पसीना निकालें। स्वस्थ रहना है तो एक बार पसीने में नहाए, उसके बाद पानी से नहाए, तुरंत नहीं, प्रसन्न इंद्रिया, प्रसन्न आत्मा हमारी इंद्रिया और मन प्रसन्न होगा तो स्वस्थ इति अभिधीयते। तो ऐसे ही व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है, स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा दे दी ऋषियों ने। प्राणायाम अनुलोम विलोम अभ्यास कर रहे हैं, इससे पहले अगर का अभ्यास कर रहे हैं, श्वास को पूरा बाहर फेंक देंगे, बाहर रोक देंगे, पेट को अंदर खींचेंगे और छोड़ेंगे, खींचेंगे छोड़ेंगे, खींचेंगे छोड़ेंगे, ऐसे करें। रिलैक्स, श्वास भर लेंगे, फिर से श्वास बाहर फेंकेंगे,
बाहर ही रोकेंगे और पेट को अंदर और बाहर खींचेंगे, छोड़ेंगे, खींचेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार, रिलैक्स, विश्राम। फिर चलेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम में, नाड़ी शोधन। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन का भी हम आपको यहाँ प्रशिक्षण देंगे, वो विशेष लाभ प्राणायाम है। अनुलोम विलोम को हम देखते हैं, दाएं को बंद कर लेंगे और बाएं से भीतर की श्वास को बाहर छोड़ देंगे, इसी से भरें। दूसरी तरफ बाहर, फिर इससे भरें। बाएं से बाहर, फिर इधर से भरें। फिर दूसरी ओर से बाहर। दूसरे हाथ से ध्यान मुद्रा लगा के करते जाएं अनुलोम विलोम, गहरे लंबे श्वास। इसमें छोटा श्वास नहीं भरना, आपको पूरा गहरा भरना। बहुत गहरा भरते चले जाएं, एक हाथ थक जाए तो दूसरा। अनुलोम विलोम के बाद भजन का अभ्यास करें। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे अंश बन जाएं। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे अंश बन जाएं। बने राही पथ परम पथ के, बने राही परम पथ के, ऋषि के वंश बन जाएं। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे अंश बन जाएं। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्हीं से हो, सदा प्रेरित तुम्हीं से हो। सभी सद्भाव संवाहक, सभी सद्भाव संवाहक, ऋषि के वंश बन जाएं। प्रभु के संत बन जाएं। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे अंश बन जाएं। बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाएं। श्वास गहरा भर के भ्रामरी का अभ्यास, गहरा लंबा श्वास भरें। Mmm.
उद्गीत के लिए हाथों को घुटनों पर ले आए, कमर सहजता के भाव, श्वास पूरा भर के ओमकार का उच्चारण मुख से। हम अपने हाथों को जोड़कर कुछ विचार कर रहे हैं। सभी प्राणायाम के बाद थोड़ी देर मन की शांत स्थिति बनाया करें। अपने मन का, शरीर का, सबका अवलोकन किया करें। यही समय है अपने आप को देने का, यही समय अपने आप को दिया करें। प्रातः काल का, भोर का समय। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा, किया परहेज ना कुछ तो दवा खाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। समय पर एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को, जो ठोकर से भी ना बदले ना समझे तो समझाने से क्या होगा, तो समझाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा, भजन गाने से क्या होगा। अब अपने हथेलियों को घर्षण करके अपनी आँखों पर लगा और धीरे धीरे आँखें खोल लेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत कुछ नहीं जान करके, बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम था, सूर्य नमस्कार और प्राणों की चार क्रियाएं, भस्त्रिका, कपाल भाति, अनुलोम विलोम, और यदि देखा जाए तो दो क्रियाएं इसमें देख ली और एक ही के रूप में देखें तो भ्रामरी और उद्गीत का पूरा एक सेट, तो तीन तीन का। तो भस्त्रिका, कपाल भाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये पांच क्रियाएं और सूर्य नमस्कार की 12 क्रियाएं प्राणायाम की और मंत्रों के 12 मंत्रों के साथ में हमने की। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बहुत कुछ जाना और स्वस्थ वृत्त, सदवृत्त के बारे में हमने बहुत अच्छा विचार भी किया, और विचार करते करते आज हम ग्रीन हरियाली के दर्शन करते हैं। प्रातःकाल आँखों को सबसे ज़्यादा अनुकूल जब लगता है तो वो समय होता है प्रातःकाल का, और उस प्रातःकाल के समय में सदा आपको हरियाली के दर्शन करने चाहिए। हमारे दर्शकों में गौतम बालानी जी, कशिश जी, ऋतु जी, राकेश जी, अन्य भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और इस कार्यक्रम को देखते हुए और प्रत्येक दिन योगाभ्यास करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं हमारे इस कार्यक्रमों में। हम आज इस हरियाली के दर्शन करते हैं। हरियाली के दर्शन करने से मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। प्रातःकाल सभी को अपने घरों में, जो अगर आपको हरियाली है तो उसको ज़रूर आप देखा करें। उसको 15-20 मिनट आप खुली आंखों से चश्मा हटा करके, किसी के चश्मा लगा हुआ है तो चश्मा हटा करके आपको हरियाली के दर्शन करने चाहिए। आपके घर में घास है तो घास पर नंगे पांव चलना चाहिए, इससे भी आरोग्य मिलता है। ये हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से कितने सुंदर सुंदर पुष्प लगे हुए हैं इस सभी वृक्षों में। उसके अलावा पूरा ये
बैकग्राउंड ही ऐसा बना हुआ है कि आपकी आंखों को आराम, प्रसन्नता, आनंद देने वाला व्यक्ति, ये पूरा हरा भरा हरा भरा। और ये हमारा योगा मैट है, यहाँ पर बैठ करके हम आपको योग का प्रशिक्षण देते हैं। आप योग का अभ्यास यहाँ पर बैठ करके होता है, कभी हमारा योग का अभ्यास यहाँ होता है, कल हमारा कार्यक्रम हुआ था तो इस बैकग्राउंड में हुआ था। तो ये पूरा एक उद्यान है और बहुत अच्छा गार्डन है, इस गार्डन में ही हम आपको इस कार्यक्रम का जो है प्रसारण करके दिखाते हैं, ताकि प्रकृति की दृष्टि से एक अच्छा वातावरण भी होगा तो योग का माहौल मन में भी बनेगा और शरीर में भी। तो इस तरह से आज के इस कार्यक्रम को हमने सूर्य नमस्कार और पांच प्राणों की क्रियाओं को करते हुए हमने से देखा सीखा, और इस क्रिया को, इन क्रियाओं को हम प्रतिदिन करें। प्रतिदिन जब करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता चला जाएगा। हमारे ऐसे सुंदर सुंदर दृश्यों के साथ में आपके घर में भी यदि उद्यान है तो आपको उद्यान में बैठ करके करना चाहिए। पास में कोई पीपल का वृक्ष है तो उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके करना चाहिए। यदि आप ऐसा कर लेंगे तो आपको योग से अधिक लाभ होगा। तो आज के कार्यक्रम में इतना रखते हैं। आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए स्वामी न्यूज़ का भी हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे 6:30 बजे प्रातःकाल। सबको सादर।